जमीन ले नहीं पाया क्योंकि जमीन का भाव तेज था, बहुत महंगी थी। और वो किस्त भी क्या है कि पहले 2,79,000 में तो जमीन वाला पहले पूरे पैसे लेता है फिर रजिस्ट्री करते हैं, और इन्होंने 2,79,000 रुपये में क्या ले। हमने उसी खेत में थोड़ा बहुत कहीं पानी का साधन किया और पैसे खर्च हो गए। हम चार भाई हैं और चारों भाइयों को एक एक किस्त बाकी है और एक एक किस्त मिल गई है, और मेरे पिताजी के भी दो भाई और हैं। तो दो भाई होने से मेरे पिताजी को और मेरे अंकल और मेरे आंटी तीनों को एक एक किस्त उनकी भी बाकी है, और आंटी जी के चार बच्चे हैं। तो चारों बच्चों को SRP नहीं दी गई, बोले कि आप इनके पात्र नहीं हो, जबकि वो सभी की जन्म तारीख और वो खातेदार भी है, वो खातेदार भी है, पर उनको दिया नहीं गया है, बोले आप पात्र नहीं हो। अब वो शासन की ऐसी कौन से नियम में नहीं आ रहे कि वो पात्र नहीं है पर वो खातेदार भी है। पहली किस्त 2005 में मिली, लेकिन वो पहली किस्त इतनी कम थी कि जिससे हम ज़मीन भी नहीं खरीद पा सकते हैं, क्योंकि आज उसकी कीमत आप खरीदने जाएं तो 10 लाख रुपए हो गए एक हेक्टेयर के, एक एकड़ 5 एकड़ के। तो इसलिए हमारे लिए ज़मीन खरीदना असंभव है, मतलब हमको यहाँ से कुछ मतलब बेदखल करेंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे तक मतलब ज़मीन मिल नहीं पा रही है, इतने कीमत बढ़ गई है और गवर्नमेंट ऐसी कर रही है तो हम जाएँगे कहाँ। आपने ज़मीन खरीदी थी एक किस्त से, फिर दूसरी किस्त नहीं मिलने से वो ज़मीन वापस मांग लिया उन्होंने, दूसरा बेच दी। मैं चाहता हूँ कि ग्राम भिलखेड़ा के दूर प्रभावितों को दूसरी किस्त न देते हुए उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दे, जिससे कि वो आने वाली डूब से पहले अपना जीवन व्यवस्थित कर सके। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप भी हमारी मदद करें। बड़वानी जिले के पुनर्वास अधिकारी श्री VS गोवा, जिनका मोबाइल नंबर, इन पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि दुप्रभावितों को जल्द से जल्द पुनर्वास का लाभ मिले। मैं पवन सोलंकी, ग्राम भीलखेड़ा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।